जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विविध की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां पर दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। और भारत में प्रथम महिलाओं की इस कड़ी के अंतर्गत दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले लगभग 3 लेक्चरों से देखते चले आ रहे हैं, हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कुछ इस हिसाब से है कि भाई जो भी हमारा प्रश्न है, जो जो भी एक्चुअल प्रश्न है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि दोस्तों आज हम बात करते हैं, तो इसका एक उदाहरण आपके सामने है कि भाई भारत अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, भारतीय ओर से, या मूलतः भारत की थी वो, ये एक अलग बात है कि आगे चल करके जो है वो अमेरिकी नागरिकता उन्होंने ले ली थी। और कौन थी दोस्तों, वो तो कल्पना चावला है ना। तो अब जैसे कल्पना चावला है, तो इनके विषय में जो भी विविध तथ्य निकल करके और सामने आ रहे हैं, या कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं, तो उनके विषय में भी हम अध्ययन कर रहे थे। तो ये हमारा एक ट्रेंड दोस्तों, यहाँ पर विविध को पढ़ने का एक नया नज़रिया हमारा आपके सामने था। तो चलिए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज दोस्तों हमारे जो लास्ट लेक्चर है, उनकी लिंक भी आपकी जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप बढ़िया उसमें जा करके देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा हुआ है। और इसके बाद अब आज हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले कड़ी की ओर। तो आज आपके सामने है दोस्तों पहला जो एक नाम है वो है पुनीता अरोड़ा, ठीक है। लूशेंट भी आप रख लीजिए खोल करके, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लूशेंट आपके सामने होनी चाहिए। प्रश्न क्या है दोस्तों लूशेंट में, तो है प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, पुनीता अरोड़ा या पुनीत अरोड़ा। तो लूशेंट में तो लिखा हुआ पुनीत अरोड़ा, लेकिन वास्तव में उनका जो नाम था वो था पुनीता अरोड़ा। तो दोनों नाम सामने आपको देखने मिल सकते हैं, या तो पुनीत अरोड़ा और या फिर पुनीता अरोड़ा। इनके विषय में क्या है दोस्तों, इनके विषय में प्रश्न जो है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न क्या होगा कि भारतीय या भारत की ओर से प्रथम महिला, या प्रथम महिला जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंची। इसके साथ ही दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या विविध तथ्य हो सकते हैं। तो एक तो आप इसे नोट करिएगा कि भाई भारतीय सशस्त्र बलों में, ठीक है, किसमें, भारतीय सशस्त्र बलों में मुख्य तौर पर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन, पुनीता अरोड़ा। ये आपका एक प्रश्न हो गया, ये तो था ही। अब इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है भाई कि पहले तो हम ये देखें कि हम इसे याद कैसे रखें। तो देखिए, याद रखना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग ऐसा रोना रोते हैं कि यार अगर जनरल में नहीं होते, ठीक है, रोना रोते हैं, उन्हें उनका ये मानना है कि जनरल। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे कैटेगरी की बातें नहीं की जा रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप बिल्कुल भी इसको कैटेगरी के तौर पर मत लीजिएगा, ये तो सिर्फ याद रखने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो यदि बात करें हम जनरल की दोस्तों, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि जनरल में नहीं होते तो यार हम तो अब तक सेलेक्ट हो गए होते, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि आसान होता हमारे लिए यदि हम किसी और वर्ग में होते, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या पता पता चले मार्क्स जो है उतने भी नहीं आए जितने होने चाहिए किसी भी कैटेगरी से सेलेक्ट होने के लिए, चाहे वो जो भी हो। और अब तो बहुत विशेष अंतर नहीं रह गया दोस्तों, एक एक नंबर का अंतर है बस। तो फिर भी हम याद रखने के तरीकों में देखें तो रोड़ा, वो समझते हैं कि रोड़ा कौन है हमारा, हमारा जनरल होना। तो लेफ्टिनेंट जनरल का आप याद रखिएगा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, रोड़ा। तो कौन सा रोड़ा, पुनीता अरोड़ा या पुनीत अरोड़ा। तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट आंसर आपके सामने है, याद रखने का तरीका भी इसमें बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अतिरिक्त तथ्य, जैसा कि हमारा एक जो नजरिया है इन्हें देखने का, तो क्या है आप देखेंगे अतिरिक्त तथ्य कौन सा रहा है भारतीय नौसेना में, ठीक है। कहां पर, भारतीय नौसेना में पहली वाइस एडमिरल, कहां पर दोस्तों, नौसेना में। नौसेना मतलब कौन, नेवी, ठीक है। यहां पे आप आर्मी देख रहे हैं और अब नेवी में भी, यानी कि यही नाम, ठीक है, यही जो है पुनीता अरोड़ा जी ही जो है वो कौन थी, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल भी थी इंडियन आर्मी में, और दूसरा भारतीय नौसेना में, नेवी में क्या थी, फर्स्ट वाइस एडमिरल भी यह बनी, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों और अतिरिक्त तथ्यों की ओर यदि हम चलें, तो भारतीय नौसेना में ही स्त्री रोग विशेषज्ञ थी ये, ठीक है। अब कैसे उसे हम देखते हैं। अच्छा, बात ये की जाए कि भाई इनका जन्म कहाँ पर हुआ, यदि और भी चीज़ें हमें जाननी है, तो देखिए मैं आपसे पहले ही ये बात साझा कर दूँ कि हमें हर किसी का जन्म, आप एक इमेज सामने इनकी देख पा रहे हैं, ठीक है, फोटो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, पहली बात, ठीक। दूसरा, अगर महत्वपूर्ण है, देखें क्या है, हर किसी का जन्म नहीं पूछा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ उनकी पूछ ली जाए। अब अगर ऐसा होगा तो फिर हम कितने पढ़ते चले जाएं, ठीक है। फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें हर किसी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता हो। तो लेकिन अगर इनके विषय में हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 31 मई 1946 की बात है, लाहौर में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1946 का मतलब, आप लाहौर को यदि सुन भी रहे हैं तो आप पाकिस्तान बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि वो कैसा था उस समय पे, आप फोटो भी देख पा रहे हैं, वो जो जगह है 1946 की दोस्तों, वो हमारा अविभाजित भारत है, वो हमारा भारत ही है, ठीक है। तो कब इनका जन्म हुआ, 31 मई 1946 को लाहौर में हुआ। और लाहौर को जैसा हम सभी जानते हैं कि पंजाब का ही क्षेत्र, ठीक है, पंजाब जो दो भागों में बट गया, एक एक पंजाब जो है पूर्वी वाला वो हमारे पास है भारत में है, और पश्चिमी पंजाब कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। तो उस पश्चिमी पंजाब प्रांत के लाहौर प्रांत में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
जन्म के बाद इनकी जो फैमिली है दोस्तों वो पंजाबी फैमिली थी, और फिर हुआ ये कि जब पार्टीशन होने लगा, जब विभाजन होने लगा 1947 में, तो इनके परिवार में इनके जो पिताजी थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान को छोड़ करके भारत की ओर जाते हैं। और भारत में दोस्तों वो अपनी पूरी परिवार के साथ, पूरे उस संयुक्त फैमिली के साथ दोस्तों, संयुक्त परिवार के साथ आकर के यूपी के सहारनपुर में वो बस गए, निवास करने लगे। अब देखिए होता क्या है 1946, महत्वपूर्ण बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये याद रखना आवश्यक नहीं है कि जन्म कब हुआ, वो वर्ष सिर्फ हम इसलिए देखते हैं, देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वो ये होता है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ कि किस दौर में ये लड़कियाँ, ये महिलाएँ, ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निकल करके सामने आ रहे हैं और एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं दोस्तों जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मुकाम हासिल करने के लिए एक रास्ता प्रदान कर रहे हैं, एक मार्गदर्शक, ठीक है, एक मोटिवेटर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि स्त्री रोग विशेषज्ञ का सीधा सा मतलब है कि मेडिकल के क्षेत्र में, और अब अगली बात पढ़ाई भी उन्हें मेडिकल में ही करनी पड़ी होगी। अब उससे भी महत्वपूर्ण बात 1946 का दौर दोस्तों, उस समय पर बिल्कुल भी इनके पिताजी इच्छुक नहीं थे कि ये अध्ययन करें, वो भी मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन ये था कि इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात दोस्तों, पढ़ने मिल भी नहीं रहा था। हम अभी भी देखते हैं वर्तमान में भी कई ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं कि यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि 10th के बाद 11th 12th में मैथमेटिक्स ना मिल पाए। कई बार ऐसी स्थितियां देखने मिल रही थी। अब तो हालांकि ठीक है, अब तो मार्क्स की तो कोई बात ही नहीं है, अब तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भंडारा है ही चारों तरफ, भयानक परसेंट बन रहे हैं हाथी वाले, लेकिन उस समय पर नहीं बन रहे थे, है ना। तो अगर बात की जाए उस समय की, जब ये आगे बढ़ी पुनीता अरोड़ा जी, तो इन्हें पढ़ने मिला नहीं, इन्हें मेडिकल का क्षेत्र मिल नहीं रहा था, मेडिकल का इनका कॉलेज दूर था, तो साइंस से पढ़ाई करने मिली नहीं, आर्ट्स से पढ़ रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके आगे जा करके जब उच्च शिक्षा हुई दोस्तों, तो उस समय पर उन्हें जैसे तैसे मेडिकल की पढ़ाई करने मिल ही गई। और जब मेडिकल की पढ़ाई मिली तो जहां हम इनका एक महत्वपूर्ण तथ्य देख पा रहे हैं कि भाई भारतीय सशस्त्र बलों में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर, ठीक है, किसमें, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर ये थी पहला, और दूसरा भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल के पद पर। अब इससे भी पहले की यदि बात करें दोस्तों, तो वाइस एडमिरल बनने से भी पूर्व पहले AFMC, किसमें, AFMC, नोट कीजिएगा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में ये कमांडेंट के पद पर थी, और कमांडेंट के पद पर थी मतलब कैसे, फिर प्रमोट होकर के और आगे गई, ठीक है। तो कमांडेंट के जब ये पद पर थी दोस्तों, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ थी वहां पर उस मेडिकल कॉलेज में, दैट्स इट। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण एक डाटा है जो आप इसे नोट करके रखिएगा। और स्त्री रोग विशेषज्ञ रहने के दौरान इन्होंने अस्पताल में बहुत कुछ किया, जैसे जो भी दंपति वगैरह थे या जो भी, अच्छा, स्त्री लगा हुआ है इससे आप दो चार फैक्ट और मतलब ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं इससे एक दो चार तार, और जैसे इन्होंने प्रजनन के क्षेत्र में स्त्रियों के बहुत कुछ किया, वे स्त्रियां जो बांझ थीं या निसंतान थीं उनके लिए इन्होंने कई चीज़ें की, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनके व्यक्तित्व को तो हमने देखा यहाँ पर दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए, ठीक है। पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो अवार्ड्स वगैरह थे इनके, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक अवार्ड है 2002 में इन्हें मिला दोस्तों, कौन सा अवार्ड, तो विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। और एक और मिला 2006 में इन्हें, परम विशिष्ट सेवा पदक। अब चाहे हम बात करें विशिष्ट सेवा पदक की, या चाहे हम दोस्तों बात करें किसे, देखें हम परम विशिष्ट सेवा पदक को, दोनों ही दिए जाते हैं सैन्य क्षेत्र में, ठीक है। कैसे पुरस्कार हैं ये, तो ये एक सैन्य पुरस्कार हैं। और किसे दिए जाते हैं, तो शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है, मतलब शांति के उसमें दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, कौन सा, आपका विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक, जो कि कैसा पुरस्कार है दोस्तों, सैन्य पुरस्कार है, ठीक है। अब बात यह आती है कि भाई इन्हें ये जो मिला विशिष्ट सेवा पदक, ये विशेष तौर पर किस कार्य के लिए इन्हें मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक इमेज भी, आपके सामने एक इमेज यहाँ पर प्रदर्शित है। उस इमेज में आप देखेंगे कालूचक नरसंहार। यदि बात की जाए कालूचक नरसंहार की दोस्तों, तो उसका आप डेट भी देख पा रहे हैं, ठीक है। आपके सामने इमेज है 14 मई 2002, 14 मई 2002 दोस्तों वो समय है जब ये कालूचक नरसंहार हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों ये कालूचक नरसंहार, तो आप इमेज में स्पष्ट नजर आ रहा है, साथ में आप नोट भी कर लीजिएगा, कालूचक नरसंहार हुआ था दोस्तों JNK में। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। वास्तव में ये था क्या कालूचक नरसंहार, तो आगे की लाइनें मैं जो है आपसे पढ़ रहा हूँ आपके सामने, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मनाली से जम्मू जा रही हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस पर 3 आतंकवादियों ने हमला किया और
सात लोगों की हत्या कर दी। साथ ही दोस्तों इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो इसके बाद वे सेना के पारिवारिक क्वार्टर, जो सेना के पारिवारिक क्वार्टर वगैरह होते हैं, वहाँ पर इन्होंने घुसपैठ की और कैदियों पर और बाकी लोगों पर, जितने भी लोग थे वहाँ पर, सेना की जो फैमिली वगैरह भी थी, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। ठीक है, बहुत सारी गोलियाँ बरसाईं और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत लोगों की वहाँ पर जान भी गई। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि ये कौन लोग थे आतंकवादी, तो इनके और कहाँ से आए थे, तो इनके बारे में क्या है कि ये आतंकवादी कथित तौर पर पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार करके आए थे, ठीक है, जो कि विजयपुर बस से इंटर किए हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपको एक जानकारी मिली यहाँ पर, क्या कि कालूचक नरसंहार, ठीक है, कब हुआ था, तो वर्ष 2002 में हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि इस समय पर भारत के पीएम कौन थे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कालूचक नरसंहार के विषय में, तो और आप देखेंगे कि 14 मई 2002 को जब ये हुआ, तो इस दौरान पुनीता अरोड़ा जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और वो कार्य क्या था दोस्तों, कालूचक नरसंहार के जो पीड़ित थे, ठीक है, जो पीड़ित वगैरह थे, उनके समय पर जो इलाज के लिए है और उनकी सहायता थी, वो इन्होंने किया, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। और इसी क्षेत्र और इसी सब के चलते, ठीक है, इस क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया, विशिष्ट सेवा पदक दिया गया वर्ष 2002 में। और फिर इसके बाद आगे चल के 2006 में इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है आपका एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, कौन, पुनीता अरोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा है, आप लूशेंट में देखेंगे, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन, पी बंदोपाध्याय। तो इनके विषय में यदि हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो इनका पूरा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनका पूरा नाम है पद्मावती, ठीक है। अच्छा, पद्मावती बस नहीं, हो सकता है एग्जाम में पद्मा करके लिखा मिल जाए या पद्मावती करके लिखा मिल जाए, पद्मावती बंदोपाध्याय या पी बंदोपाध्याय। इनके विषय में क्या है, इनके विषय में है महत्वपूर्ण कि भाई प्रथम महिला एयर वॉइस मार्शल, फर्स्ट एयर वॉइस मार्शल, ठीक है, आप इनकी इमेज भी देख पा रहे हैं, ठीक, पिक्चर क्लियर है बिल्कुल, इनका जो छायाचित्र है वो आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित है, आप देखें, स्क्रीनशॉट लें और इनकी डिटेल को नोट करते जाएं और बारंबार रिवीजन करें दोस्तों, जितना आप पलटाएंगे, जितना दोहराएंगे, उतना आप इसमें तगड़े होते चले जाएंगे और एग्जाम में भी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो पी बंदोपाध्याय यानी कि पद्मावती बंदोपाध्याय। और अब इनके विषय में हम याद रख लेते हैं, पहले जैसे हमने वहाँ पर याद रखा, हमने याद कैसे रखा था, जनरल रोड़ा, ठीक है, और अब ऐसे यहाँ पर याद रखते हैं दोस्तों एयर वॉइस मार्शल। आप यहाँ पर देखेंगे एयर है, एयर का मतलब हवा, वॉइस है आवाज़, और मार्शल है, मार्शल दोस्तों आपको पता है, एक फ़ोटो भी सामने है, आप देख सकते हैं, मार्शल की बात करें हम या बोलेरो की बात करें या चाहे जिसकी भी बात करें दोस्तों, बस वो चार पहिया हो और बंद हो, ठीक है, तो यदि बंद है दोस्तों तो ना वही उसमें एयर आएगी बाहर की और ना ही उसमें वॉइस आएगी। आप बैठे होंगे, ठीक है, हो सकता है आपके पास हो, भाई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, निश्चित तौर पर आप भी बैठे होंगे, आप देखेंगे जब हम खिड़की विड़की सब बंद कर देते हैं, कांच वाँच सब बंद कर देते हैं, दरवाजे दरवाजे, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ना ही एयर आ रही है ना ही वॉइस आ रही है, तो बंद करने पर, तो बंद से याद रख लिया बंदोपाध्याय, आंसर यहाँ पर हमारा क्लियर है दोस्तों। फिर इसके बाद इनके विषय में देखते हैं दोस्तों, इनके विषय में और क्या महत्वपूर्ण है, तो इनके विषय में अगला जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई इनके पुरस्कार, इन्हें भी पुरस्कार जो है वो विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुआ। और ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कालूचक नरसंहार, JNK आतंकवादी पाकिस्तान, LOC नियंत्रण रेखा को पार करके, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके आए हुए था, और वैसे ही यहाँ पर हम बात करें दोस्तों विशिष्ट सेवा पदक की, इन्हें जो प्राप्त हुआ वो किस क्षेत्र तो क्लियर है सैन्य के लिए, और देखें हुआ क्या था, 1971 के भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने जो अपनी सहभागिता अदा की थी उसके चलते इन्हें जो है ये पदक प्राप्त हुआ, दैट्स इट। फिर इसके बाद दोस्तों अगला एक और प्रश्न क्या हो सकता है आपका, तो प्रश्न वही रिपीटेड कि भाई विशिष्ट सेवा पदक किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कैसा पुरस्कार है, तो सैन्य पुरस्कार है। फिर इसके बाद इनके विषय में और देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, क्या बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हर किसी का हम जन्म का वर्ष नोट करें या उसका अध्ययन करें, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके सामने है। फिर इसके बाद इन्हें एक और जो पुरस्कार प्राप्त हुआ 2020 में, पद्मश्री प्राप्त हुआ है दोस्तों। और अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न इनके विषय में, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपके सामने है, क्या है, उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों, नॉर्थ पोल पर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर शोध कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला है कौन, पी बंदोपाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक अतिरिक्त तथ्य है जो कि लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए, ठीक है। अगला आपका क्या है, आप लूसेंट में देखें, यहाँ बोर्ड में नहीं मेंशन किया गया है, हालांकि इनका एक आप पिक्चर देख सकते हैं इनके, सुषमा चावला, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस,
प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, नाम क्या है दोस्तों? सुषमा चावला। याद रखना यह भी बहुत आसान है। आप इसमें देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। एक पर्सन जो चेयर में बैठा हुआ है, चेयरपर्सन, हम ये याद रख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखने के तरीके हैं। एक पर्सन जो चेयर पर बैठा हुआ है, देखें इंडियंस जो है ना दोस्तों, भारतीय, ठीक है, भाषे भारती, भाषे भात, भाषे भारती, भाषे भात, भात मतलब चावल, राइस, ठीक है। तो इंडियन जो है दोस्तों, इन्हें चावल बहुत खाते हैं, ये मैं तो खाता हूँ, पता नहीं आप कितना खाते हैं कितना नहीं खाते, ठीक है। मेरे तो फेस से और मेरे शरीर से भी समझ में आ रहा होगा, भाई ये मोटापा कम ही नहीं हो रहा है, तो ये जो चावल है ये मोटा कर रहा है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम हमें मोटा करो। कम से कम हमें एक ट्रिक भी यहाँ पर निकल करके आ रही कि इंडियंस चेयर पर्सन, वो जो पर्सन है जो इंडियन है वो चेयर पर बैठ करके चावल खा रहा है। तो चेयर पर्सन का आंसर में आप क्या लगा देंगे, चावल से चावला, सुषमा चावला। अच्छा, चावला दो मिलेंगे आपको, कल्पना चावला, सुषमा चावला, तो घबराना नहीं है। कल्पना कहाँ पर है, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो ये आपका एक यहाँ पर एक और क्लियर हो रहा है, आप इमेज भी देख पा, तो आपके सामने एक और प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, और इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है कल्पना चावला, ब्रैकेट में लिखा हुआ अमेरिकी नागरिक। अब बात करते हैं हम कल्पना चावला जी की। कल्पना चावला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। कल्पना चावला जी के विषय में हम काफ़ी कुछ यहाँ पर डाटा आपके सामने है, और अब इसमें से क्या महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताते चला जाऊँगा कि भाई ये बिंदु आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके विषय में हम समझते हैं, ठीक है। तो इनके विषय में दोस्तों सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक इनका उपनाम द स्पेस गर्ल, द स्पेस गर्ल, ठीक है। क्यों है ये स्पेस गर्ल उपनाम, इसे हम आगे जैसे जैसे इनके विषय में जानेंगे वैसे वैसे हमें सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। उम्मीद है आप इनके विषय में जानते होंगे, यदि आप नहीं भी जानते हैं तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से इनके विषय में भली भांति उतना जानने वाले हैं जितना आपको इनके विषय में जानना आवश्यक है एक प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से, ठीक है। तो देखें दोस्तों इनके विषय में, इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों एक छोटी सी जगह करनाल में, जो कि हरियाणा का एक छोटी सी जगह है करनाल। और कब हुआ तो देखें, इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के दो प्रकार के जो है विचारधाराएं देखने मिली, दो प्रकार के इनमें मत थे, ठीक है। कुछ लोगों का ये मत था कि इनका जन्म 1 जुलाई 1961, ठीक है, 1961 में हुआ, और कुछ का ये मत था कि 17 मार्च 1962 को हुआ। अच्छा, कुछ पुस्तकें भी कह रही हैं कि 1 जुलाई 1961, तो देखिए आधिकारिक तौर पर जो है जन्म वो 1 जुलाई 1961 को हुआ, और इसके अलावा एक और डेट ऑफ बर्थ मिल रही है 17 मार्च 1962। तो आप तो फिलहाल दोनों को नोट रखें, और जैसे ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं इनके जन्म स्थल की दोस्तों, तो जन्म स्थल तो हम पहले ही देख चुके हैं कि करनाल है। अगला है पिता, इनके पिताजी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बनारसी लाल चावला। पिता के लेकर के भी इनके विषय में प्रश्न पूछा गया है, बनारसी लाल चावला महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनके बचपन के नाम की दोस्तों, या इनके बचपन की, तो देखिए इनके बचपन के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, शुरुआत से ही कल्पना चावला ऐसा नहीं था कि बाद में कल्पना चावला हुई या अंतरिक्ष में जाकर के जो है इन्होंने उड़ान भरी। इनके बचपन से ही, मतलब महज छोटी सी नन्ही सी उम्र में ही इनके जो ख्वाब थे वो बहुत ऊंचे थे, सितारे देखती थी ये जन्म से ही, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं तो पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है माता पिता के द्वारा कि हमारा बच्चा तो ये बनने वाला है, लेकिन यदि हम बात करें कल्पना चावला की, तो पिता की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। पिता और पूरी फैमिली, जितनी बाकी लोग थे, उनका यही था कि भाई कल्पना को जो है क्या कराना है। अच्छा, कल्पना नहीं, घर का नाम था मोंटू, इनके बचपन का नाम था दोस्तों मोंटू। कल्पना नाम और नामकरण को लेकर के भी इनका बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, कल्पना चावला ने अपना कल्पना नाम खुद ही रखा था। वास्तव में दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जब ये स्कूल गई पहली बार, इनकी मासी जो मौसी थी वो जब इन्हें स्कूल लेकर के जाती हैं, तो स्कूल में जो मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने, टीचर्स ने जब नाम इनका पूछा कि नाम क्या लिखना है, तो उन्होंने कहा मोंटू। हालांकि फिर उन्होंने कहा मोंटू तो इनका नाम है, वो ठीक है, अच्छी बात है भाई, घरेलू नाम ऐसे ठीक है, आप स्कूल में क्या लिखाना चाहती हैं। तो उन्होंने तीन ऑप्शन सामने रखे थे दोस्तों, वो मैं नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। एक नाम था दोस्तों इनका, तीन नामों में जो बहुत महत्वपूर्ण नाम, एक था कल्पना, दूसरा सुनैना, और तीसरा था ज्योत्सना। कल्पना से जब पूछा गया कि अच्छा, पूछा किस हिसाब से गया कि मोंटू तुम्हें कौन सा नाम ठीक लग रहा है, तो उन्होंने अपना नाम कल्पना ही चयनित किया था। तो इस तरीके से इनका नामकरण जो है कल्पना हुआ। बात करते हैं इनके प्रारंभिक शिक्षा की दोस्तों, ठीक है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी टैगोर कला निकेतन विद्यालय, टैगोर कला निकेतन विद्यालय, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में है, ठीक है। तो वो प्राथमिक शिक्षा जब ग्रहण कर रही थी उसी समय पर, और उसी छोटी सी नन्ही सी उम्र में ही, ठीक है, जब वो बिल्कुल छोटी सी थी, तो तारे वगैरह को देखती थी, आकाश में टिमटिमाते तारों को देखती थी, और उनकी बस एक ही इच्छा रहती थी, एक ही ख्वाहिश, वहाँ से जो भी प्लेन गुजर रहे हैं, जो भी दिख रहा है आसमान में, तो बस अपने घर में सभी से, पिताजी से, माताजी से, और चार बड़े, मतलब छोटे बड़े भाई बहन, ये टोटल चार थे, जिनमें सबसे छोटी थी कल्पना।
तो बस अपनी यही ख्वाहिश सबसे जो है इसी बात का जिक्र किया करती थी। अच्छा, यदि बात करें दोस्तों हम करनाल की, तो करनाल वैसे तो बहुत छोटा शहर था, लेकिन करनाल की एक सबसे बड़ी जो विशेषता थी दोस्तों वो ये थी कि करनाल में एक फ्लाइंग क्लब था। क्या था दोस्तों? फ्लाइंग क्लब। फ्लाइंग क्लब जब था वहाँ पर, तो पिताजी के साथ जैसे कभी टहलने जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, तो उस दौरान इन्होंने देखा, लोगों को उड़ते हुए देखती थी कई व्यक्तियों, क्योंकि क्योंकि फ्लाइंग क्लब ही था वहाँ पर, तो अक्सर पिताजी से बात किया करती थी कि पापा कभी मैं भी ऐसे उड़ पाऊँगी या नहीं। तो इनकी माता जो थी, इनकी माँ का इनका साथ था, ठीक है, और माता के साथ मिलने के साथ ही दोस्तों क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि माता जो है, माता बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और यदि माँ का प्यार है, माँ का साथ है, तो फिर तो सब कुछ साथ में है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, इन्होंने जैसा कि इनकी रुचि थी, ठीक है, उसी रुचि के अनुसार जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, प्राथमिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली, तो इसके बाद इनका जो एक इच्छा थी वो ये थी कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? एरोस्पेस इंजीनियर। तो एरोस्पेस इंजीनियर के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने क्या काम किया, आगे का जो अध्ययन था इनका, जो उच्च शिक्षा थी, इनकी इच्छा थी शुरू से ही, इनकी इच्छा थी दोस्तों, इच्छा क्या थी कि एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती थी ये, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती थी। तो इसी ही क्षेत्र में इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, और वो भी कहां से की दोस्तों, तो अपने ही एक समीप के ही कॉलेज, एक विश्वविद्यालय PEC, ठीक है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इन्होंने की। और कब इन्होंने ये जो है स्नातक की डिग्री जो अभियांत्रिकी में प्राप्त की दोस्तों, यदि हम इसे देखें हिंदी में क्या कहते हैं आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को दोस्तों, तो इसे हिंदी में कहते हैं वैमानिकी अभियांत्रिकी, अर्थात वैमानिकी अभियांत्रिकी में इन्होंने अभियांत्रिकी की स्नातक की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। और इसके बाद ये डिग्री कब प्राप्त हुई दोस्तों, 1982 में। और जैसे ही इन्हें ये डिग्री मिलती है, इसके बाद अब चूंकि भारत में इन्होंने देखा कि इसका ज़्यादा स्कोप उस समय पे नहीं था, ठीक है, वर्तमान में तो भारत में सब कुछ है, तत्कालीन समय पर चूंकि दोस्तों इनके पास, और इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाकर के पढ़ने की, इन्हें स्कॉलरशिप वगैरह भी प्राप्त हुई दोस्तों, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो ये USA चली गई, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने आगे का अपना जो है और उच्च शिक्षा अर्जित की, अर्थात यहाँ पर इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। और अब परा स्नातक करने के लिए या स्नातकोत्तर करने के लिए, UG के बाद PG करने के लिए दोस्तों ये कहाँ चली गई, ये गई USA। और USA में 1984 में इन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस में ही, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही MA किया, मास्टर डिग्री वहां से की। और फिर इसके बाद दोस्तों 1984 के बाद 1988 में इन्होंने वहीं USA के ही कोलोराडो विश्वविद्यालय में PhD भी कर ली। PhD भी इनकी दोस्तों इसी क्षेत्र से ही थी। तो कहते हैं कहीं ना कहीं यदि हम देखें दोस्तों कि यदि आपने ठान लिया है, ठीक है, तो फिर कोई भी चीज़ आपकी कठिन नहीं है, मतलब कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है, बस आप ठान लें एक बार कि भाई ये काम करना ही है, तो वो होके रहेगा और आप उसे करके रहेंगे। और वो शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है एक मूवी का, ओम शांति ओम का, कि भाई यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस वैसा ही कुछ हुआ इनके साथ में, सारी कायनात इनके साथ लग गई दोस्तों, और फलस्वरूप क्या हुआ, बाकायदा ये जैसा चाह रही थी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई, और फाइनली ये बहुत करीब थी अपने, ठीक है, अपने जो मुकाम था इन्हें मिलने ही वाला था, क्योंकि अब 1994 हम देखते हैं जहां पर ये बतौर अंतरिक्ष यात्री नासा में चयनित हो जाती हैं। कंपटीशन था, बराबर से कंपटीशन था, मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं कि आज बस है, कंपटीशन उस समय पे भी था, बराबर था, अपने अपने स्तर पर सब जगह है, हर क्षेत्र में विद्यमान है कंपटीशन। ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं बस कंपटीशन है, भाई आप जाओ क्रिकेट खेल लो उसमें भी कंपटीशन है, दौड़ लगा लो उसमें भी कंपटीशन है, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को कौन नहीं जानता है, आप उसमें भी जाएं तो वहाँ भी कंपटीशन है, सालों साल की मेहनत के बाद जो है वो गोल्ड लेकर के आ पाए, ठीक है। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बीत जाती है, वो उन्हें खेलने तक नहीं मिलता है नेशनल लेवल पर, तो सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन हर जगह पर है, कंपटीशन यहाँ पर भी था। और 1994 में बतौर अंतरिक्ष यात्री नासा में चयनित हुई, नासा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बीच में कुछ और बातें भी हैं इनकी जो हमें नोट करना है, तो पहले तो ये हम देख लें कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे। नंबर वन, चूँकि इतना महत्वपूर्ण नाम है तो लगभग सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इसके बावजूद यदि हम बात करें तो आप कुछ चीज़ें यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ तो याद रखनी ही पड़ेगी, प्लेस याद रखना ही होगा, घर का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा, वो तो बस स्टोरी में थोड़ा सा आवश्यकता थी उसका जिक्र करने की, तो हमने कर लिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा टैगोर कला निकेतन विद्यालय महत्वपूर्ण है, फिर आगे की पढ़ाई, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कब ये गई USA 1982 में, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ 1988 से 1994 के बीच में जब इनका चयन होता है नासा में, तो नासा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ईयर महत्वपूर्ण नहीं है कि कब UG हुई कब PG हुई, ये सब महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो तो ठीक है, हाँ एक चर्चा हो रही तो आपके सामने है चीजें। बात की जाए 1994 की दोस्तों, तो नासा में जब इनका चयन होता है, इसके पहले ही दोस्तों ये अपने अध्ययन के दौरान ही
वहां पर विवाह करने का निर्णय ले चुकी होती हैं। और इनका विवाह जिनसे हुआ वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका विवाह हुआ है जीन पेरे हैरिस, जो कि उड़ान प्रशिक्षक थे उसी नासा में ही, ठीक है, उड़ान प्रशिक्षक के पद पर थे, इनके साथ इनका विवाह हुआ और 1994 में ये बतौर अंतरिक्ष यात्री नासा में चयनित हुई। नासा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए यदि आपको नहीं पता, हालांकि एक इमेज भी आपके सामने है। नासा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। तो इस तरीके से दोस्तों इनका नासा में चयन हो गया और जो ये चाहती थी अंततः वो मंजिल इनको मिल ही गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके विषय में दो तीन और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर कि आखिर अगर ये नासा तक पहुंची या इनकी रुचि थी इस क्षेत्र में तो वो क्यों थी, ये प्रेरित कहाँ से हुई, इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली दोस्तों, तो इन्हें प्रेरणा मिली थी JRD टाटा जी से, ये प्रेरित हुई थी JRD टाटा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है JRD टाटा, भारतीय विमान चालक भी रहे, ठीक है, एक लंबे समय तक और साथ ही साथ में एक उद्योगपति, और आप इनका पूरा नाम जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, मैं हिंट देता हूँ जहांगीर, चलिए ठीक है पूरा नाम मैं ही बता देता हूँ, जहांगीर रतन जी टाटा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, तो देखिए आगे अब इनकी अंतरिक्ष उड़ानें बहुत महत्वपूर्ण, अंतरिक्ष उड़ानें दोस्तों दो अंतरिक्ष उड़ानें थी इनकी, एक प्रथम अंतरिक्ष उड़ान जो है वो कब से लेके कब तक हुई, तो 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997। यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आप उसे समझें पहले, तो अंतरिक्ष उड़ानों से प्रश्न होने वाले हैं कि अंतरिक्ष उड़ानें टोटल कितनी, तो एक प्रथम और द्वितीय, और दूसरी अंतरिक्ष उड़ान ही दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं अंतिम अंतरिक्ष उड़ान थी उनकी। इसके बाद उनका क्या हुआ दोस्तों, इनका जो शरीर था वो पंचतत्व में विलीन हो गया, तारों के बीच ही ये विलीन हो चुकी थी वहाँ पर, और वो क्या किस्सा है वो अभी हम देखते हैं। तो इनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान जो थी यहाँ से, वो स्पेस शटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, STS-87 स्पेस शटल कोलंबिया, ठीक है, इसके थ्रू ये जो है इसी के माध्यम से 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 तक इन्होंने अपनी प्रथम अंतरिक्ष उड़ान पूरी की। एक ये हो गया आपका पहली अंतरिक्ष उड़ान, और यदि बात की जाए दूसरी की दोस्तों, तो दूसरी अंतरिक्ष उड़ान जो है 16 जनवरी 2003, ठीक है, 16 जनवरी 2003 को STS-107 स्पेस शटल कोलंबिया के माध्यम से ये जाती हैं, और इनका जो मिशन था दोस्तों, इस मिशन का जो यदि हम बात करें कि कितने दिवसीय था, तो 16 दिन का ये मिशन था, ठीक है, 16 डेज 16 दिन। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर दोस्तों कि इनके साथ में अतिरिक्त कितने लोग थे, तो इनके साथ में थे 6 लोग, यानी कि एक तो ये अकेली और 6, यानी कि 6 और 1 7, कुल कितने लोग थे इसमें 7। और कितने दिनों के लिए मिशन था दोस्तों, 16 दिन के लिए। मिशन की शुरुआत कब हुई, कब गई है, तो 16 तारीख को ही गई, 16 जनवरी 2003 को। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसमें एक बहुत ही जो है दर्दनाक हादसा हुआ था 2003 के, यदि हम बात करें तो 2003 में तो मैं मतलब कि आप हो सकता है आप भी बहुत छोटे रहे हो, कईयों का तो जन्म नहीं हुआ रहा होगा उस समय पे, और मैं भी उस समय पे बहुत छोटा था 2003 में। तो एक मोटे तौर पर जो यादें हैं वो ये हैं कि भाई बहुत खुशी का माहौल था और लगभग न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि उस समय पे यदि हम बात करें तो एक ही चैनल था जो आता था, DD नेशनल, और DD नेशनल में ये सुर्खियां चल रही थी, ये खबरें चल रही थी, सुबह सुबह की बात है, ठीक है, और ये खबरें चल रही थी चारों तरफ की, मतलब बहुत खुशी थी क्योंकि वापस आ रही हैं, 16 दिन पूरे लगभग हो चुके थे और रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इनका जो शटल है, ठीक है, जो शटल इनका क्या है, स्पेस शटल कोलंबिया STS-107, ये रिटर्न हो रहा है, चारों तरफ सारी खुशी का एक माहौल है, और उसी दौरान अचानक से सन्नाटा मच गया चारों तरफ। मैं छोटा था, मुझे बहुत विशेष तो उतना याद नहीं है, लेकिन जो एक मोटे तौर पर याद है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ अपनी बातें, कि उस समय पे एक ऐसा सन्नाटा, ऐसा साइलेंस, एकदम पेन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल हल्ला नहीं हो रहा है, कुछ भी हल्ला नहीं, बिल्कुल शांति, और ये एक दुखद जो खबर थी। अब उस समय पर तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो चीज़ें याद आ रही हैं कि भाई वो एक इस माहौल के कारण ऐसा माहौल था, है ना। तो उस समय पे क्या हुआ था कि जानकारी फिर ये मिली लोगों को कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो एक्चुअल में हुआ ये था कि इनका जो शटल था दोस्तों ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसमें आग लग गई थी। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया इस शटल ने, तो जैसे ही इंटर करता है वापसी के दौरान, वैसे ही इसमें आग लग गई, और अंतरिक्ष में ही वहाँ पर क्या हुआ, इनके पूरे साथियों के साथ, 6 साथी और ये, यानी टोटल 7 लोग जो थे ये पंचतत्व में विलीन हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों, और वो डेट कौन सी थी, वो दिनांक था 1 फरवरी 2003। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिहाज से इसे आपको नोट करना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एक प्रश्न क्या हो गया आपका, 1 फरवरी 2003, आप इसे याद रखेंगे, मृत्यु इनकी। दूसरी चीज़, कब गया था ये जो इनका जो सेकेंड अंतरिक्ष यान था, जब ये गई, जब ये इनका जो अंतरिक्ष उड़ान थी वो 16 जनवरी 2003, कितने दिन का मिशन था, 16 दिन का, और कितने लोग थे, 7 लोग थे, 6 अन्य इनके साथी थे, और इसके बाद बाकी जो है आपके सामने डाटा तो दोस्तों है ही।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके याद में, ठीक है, इनकी मेमोरी में यदि हम बात करें कि इनकी स्मृति में, इनके याद में इनका जो स्कूल था, ठीक है। हालांकि इनके विषय में दोस्तों किस्से बहुत हैं, देखिए आप बात को समझिएगा, किस्से किसी के भी कम नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो यूनिक हैं, जो अद्वितीय हैं, उनके विषय में तो किस्से बहुत होते हैं। तो हम एक श्रृंखला, जैसा कि आपसे हमने कहा था, बहुत जल्द आएगी, प्रयास जारी है, वो श्रृंखला दोस्तों कुछ इस हिसाब से होगी कि कवर किया जाएगा उसमें बायोग्राफी को, ठीक है, एक किसी ना किसी एक व्यक्ति को उठा करके उनके विषय में, उनकी जीवनी को कवर किया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी जी को यदि उठाया गया है, महात्मा गांधी जी को लिया गया है, तो महात्मा गांधी जी के विषय में जितना जो कुछ होगा उसे कवर करेंगे पूरे स्टोरी फॉर्मेट में। तो इनके विषय में जो भी होगा और भी जो अतिरिक्त तथ्य होंगे हम वहां पर देखेंगे, वहां समझेंगे, वहां सुनेंगे। अभी मेरे ख्याल से प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से इतना पर्याप्त है डाटा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके याद में क्या क्या हुआ। तो स्कूल में एक जो विज्ञान कक्ष था उसका नाम कल्पना विज्ञान कक्ष रख दिया गया। साथ ही हरियाणा में, जहां से, जहां इनका जन्म हुआ था, जहां से ये मूलतः थी, ठीक है, तो वहां हरियाणा में दोस्तों हरियाणा सरकार ने जब एक तारामंडल का जो है वहां पर गठन किया, तो उस तारामंडल का जो नाम है वो रखा कल्पना के नाम पर। फिर इसके बाद इनके विषय में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो और हैं वो आपके सामने यहां पर प्रदर्शित हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं एक इमेज के माध्यम से आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इन्हें कुछ अवार्ड मिले और उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला अवार्ड है कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो अवार्ड है वो है नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा का विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है। और अभी हम जो विशिष्ट सेवा पदक या बाकी पदक देख रहे थे वो कौन से थे, सैन्य वाले। नासा का ही दोस्तों अंतरिक्ष उड़ान पदक भी इन्हें प्राप्त हुआ। कल्पना चावला की मृत्यु के बाद 2003 में भारत के प्रधानमंत्री ने मौसमी सैटेलाइट को कल्पना के नाम पर रखने की घोषणा की, और मैटसेट नामक एक जो मौसमी सैटेलाइट था इसे, ठीक है, मैटसेट फर्स्ट को 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की घोषणा का पालन करते हुए इसे कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया। इसका जो नाम है वो कल्पना चावला के नाम पर वो किया गया। फिर इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कल्पना चावला की याद में ही दोस्तों नासा ने एक सुपर कंप्यूटर भी भेंट किया, ठीक है, और एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण यंग महिलाओं के लिए या यंग महिला वैज्ञानिकों के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा 2004 से कल्पना चावला अवार्ड देने की घोषणा की गई। और इसी के साथ दोस्तों आज की जो है ये क्लास भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है, और आप बातों को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें ऐसे ही धीरे धीरे इसे कवर करते चले जाना है। आप अपना जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते चले जाइए, और एक कॉपी में बढ़िया से नोट करते चले जाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में। देखें क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण है वो तो ठीक है लूसेंट में है ही, लेकिन और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो एक उसकी तैयारी एक बढ़िया एक शानदार तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं इस श्रृंखला के माध्यम से। जल्द ही इसका अगला जो लेक्चर होगा वो आपके सामने होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।